प्रेम दंदन कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे वरिष्ठ अंबेडकर साथी मार्टिन भाई मैक्वेंसा। इस भीम रुदन कार्यक्रम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों, देचू क्षेत्र के सभी गणमान्य महानुभाव, जैसा कि मुझे बताया गया मैं जोधपुर शहर का रहने वाला हूँ और सारी शिक्षा भी मैंने जोधपुर में पाई है। बचपन से हम देख रहे हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले हॉस्टल्स में हम देखते थे, हॉस्टल्स में भी हमारे बच्चों के जो परसेंटेज कम होते थे तो उनको मेरिट से हॉस्टल में रूम मिलते थे, तो हॉस्टल में रूम के लिए भी हमने रिजर्वेशन बेसिस पे रूम अलॉटमेंट के लिए उस जमाने में 1977-78 में एजुकेशन किया था। तब रिजर्वेशन बेसिस पे हमारे बच्चों को हॉस्टल, हमारे साथियों को हॉस्टल में रूम मिलने लगा। उससे पहले छात्रावास में रूम भी नहीं मिलते थे और बाहर जातिगत मॉल है, हमारे जो मोहल्ले हैं समाज के उसमें इतने बड़े मकान नहीं है कि छात्रों को रहने के लिए वहां किराए पे कमरे मिल सके, तो अन्य जातियों के मोहल्लों में जाते थे हमारे साथी लोग कमरा लेने के लिए, तो उनको कोई कमरा नहीं देता था। तो अधिकतर बच्चे जो इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ते थे वो बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते थे क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। एक ही कारण, जहां तक जाति की बात है, आज भी यदि ऐसी की जो जाति का नाम का ठप्पा लगा के मार्केट में कोई होटल मिठाई की दुकान चला सकता है, आपको लगता है आज भी ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा हुई है। मुझे तो अच्छी तरह से ग्रामीण एरिया में भी जानकारी मिली है, हमारे रूट में ऐसे ऐसे गांव है जहां पर्टिकुलर अदर देन एससी की जातियों में कुछ अक्ता का एक दिन तय करते हैं, उस दिन वो एससी वालों को पानी तक नहीं पिलाते हैं। उस गांव से कोई निकल रहा है उसको पानी भी नहीं पिलाते हैं। तो बहुत ही जातिगत व्यवस्था बहुत ही गहरी है और इस जाति का जो नासूर है इसको उजागर करने के लिए आप लोगों ने जो एक भीम शिक्षक के रूप में जो भारत की सबसे बड़ी पंचायती का केंद्र है संसद, उसमें इसको स्थापित करने का जो निर्णय लिया है ताकि उस संसद में आने वाले जो भी पूरे भारत के सांसद हैं उनकी नजर पड़े और वो सोचे कि वास्तव में ये जो छुआछूत है ये व्यवस्था आज भी खत्म हो गई है या नहीं हुई है, इसके लिए क्या वो प्रयास करें। वैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में बहुत ही अच्छे छुआछूत मिटाने के प्रावधान कर रखे हैं, मगर प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता क्योंकि हमारे लोगों की नियत या खोट है। तो इसके लिए जो आप हम सब मिलके जो कार्रवाइयां लाए हैं, जो दे चुकी धरती में मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपका सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और सोसाइटी की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपए डोनेट करता हूं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकपाल जी राठौर साहब। आप वैसे हमारी पूर्व की जितनी भी मीटिंग्स हुई है आपने पूरा सहयोग किया है। पिछली जो मीटिंग हुई थी देचू में तो आप मौजूद रहे थे और पूरी टीम मौजूद रही थी और कंटिन्यू 3 से 4 साल हो गए पूरा जो कैंपेन अभियान छुआछूत के खिलाफ है उसमें आपने बराबर भागीदारी निभाई है। एक बार आप सबकी तरफ से मैं पुनः इनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। बहुत ही खुशी की बात है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से आपने अपनी टीम की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए
इस अभियान के लिए 11,000 रुपए देने की घोषणा की। हम आप मान्यवर का बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी राशि और साथ में इतनी हिम्मत दी है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा यदि कोई संगठन है तो वर्तमान में अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, जिसके करीब करीब 60,000 मेंबर हैं और अब तो बड़े होंगे, करीब 1,00,000 हो गए होंगे। धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा, पंजाब के साथी मार्टिन भाई को बुलाने से पहले पंजाब के साथी हैं और बहुत ही अच्छा बाबा साहब का गायन करते हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करते हुए आगे बुलाएं। बहुत ही अच्छा गायन बाबा साहब के मिशन को लेकर करते हैं और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। वो आज हमारे बीच में है, सुबह उन्होंने मालोत्रा में बहुत ही शानदार और जोशीली आवाज में प्रस्तुति दी, सबका दिल जीता आपने। आपका बहुत स्वागत है, आप अपना परिचय देते हुए अपनी शुरुआत। थैंक यू। धन्यवाद सभी का कि हमें पंजाब की तरफ से कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि जैसे सरवीर बोल रहे थे कि राजस्थान में ऐसा है, पंजाब में भी फुआ साथ आया है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे मैडम सर ने जो एक यात्रा चलाई है इसके बारे में पंजाब में भी चर्चा हुई कुछ महीने पहले, तो हमें पता चला भी हमारे संगठन के साथ मीटिंग हुई तो पता चला भी ऐसे ही यात्रा निकल रही है जो शुआ शाह मुक्त भारत का जो अपराध लेके चली है, तो इसी विषय को लेके हमें आपके आगे पंजाबी में गीत रखना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है सभी साथियों में हमारी समझ जरूर आएगा, तो इसी यात्रा के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो ये गीत है। सत फलौर के बरकरार मीटिंग लाई, सत फलौर के बरकरार मीटिंग लाई, बिच पटियाले आन के सी मीटिंग लाई, लौंदे खबर लौंदे खबर पत्र कर सारे जलोनी अग लंबी को झंडे चक लो, झंडे चक लो ते नारे लावो नारे जलोनी अग लंबी को झंडे चक लो, झंडे चक लो ते नारे लावो नारे जलोनी अग लंबी को। फतेहगढ़ साहब तो दलता ने एक काफला चलाया, फतेहगढ़ साहब तो दलता ने एक काफला चलाया, पिंडो पिंडी हकां दा उन्हां नारा लाया, पिंडो पिंडी हकां दा उन्हां नारा लाया, कढ देने ने कढ देने ने गुलामी विचों सारे जलाउणियां गुलामी कोल झंडे चक लो, झंडे चक लो ते नारे लावो नारे जलाउणियां गुलामी कोल दी। लैंडलॉर्ड जो बड़े ने पाले दिंदे, लैंडलॉर्ड जो बड़े ने कमरे दिंदे, सानू आखदे सानू आखदे आ सच्ची गल सारे जलाउणी अग लंबी कौम दी, झंडे चक लो झंडे चक लो ते नारे लावो नारे जलाउणी अग लंबी कौम दी। जो सरकारे साथियो संविधान न मन्ने, जो सरकारे साथियो संविधान न मन्ने, ओनू ही भजाइए रख वड्डा मन्ने, ओनू ही भजाइए रख वड्डा मन्ने, हीरा भोला साथी हीरा भोला साथी गल नू सुनावे जलाउणी अग लंबी कौम दी, झंडे चक लो झंडे चक लो ते
कौनी अग नवी कौम दी झंडे चक लो झंडे चक लो जे नारे लावे नारे जे लाउणी अग नवी कौम दी जय भारत। मैं जो आज